factorize 25x to the power 4 minus 30x square plus 9. अब यहाँ पे जो पहले टर्म में x का पावर है वो तो फोर्थ पावर चला गया, यहाँ पे x का सेकंड पावर चला गया. अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेशन देखे थे वो कुछ इस टाइप के थे कि मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 48 कर लीजिए. हाँ, तो वो तो ऐसा था जिसमें x का सेकंड पावर था, हाईएस्ट पावर जो x का जाता था वो 2 था, लेकिन यहाँ पे तो x का फोर्थ पावर चला गया है. तो ऐसे चीज़ों को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हम देखते हैं. तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जो फंडा हम यहाँ पे लगाते थे सेम फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है जिसको हम बाहर कर सकते हैं. तो 25, 30, 9, नहीं 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 कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही तीनों इवन है, ना ही तीनों तीन के मल्टीपल है, तो कुछ हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? चलिए चेक करते हैं. अगर मैं इसके पहले टर्म की यहाँ पर बात करूँ तो ये है 25x की पावर 4. 25 होता है मेरा 5 का स्क्वायर, और x की पावर 4 एक्चुअली में x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा. यानी कि अगर मैं इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे 25x की पावर 4 मिल जाएगा. क्योंकि इसको आप ऐसे देख लीजिए, 5 का स्क्वायर दे देगा 25 और x का स्क्वायर मुझे दे देगा x की पावर 4. तो मुझे 25x की पावर 4 मिल जाएगा यहाँ पे. उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 9 की बात करूँ तो 9 होता है मेरा 3 का होल स्क्वायर. अब इस बीच वाले टर्म की बात करते हैं हम यहाँ पे. अब अगर मैं इस नेगेटिव 30 की बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे, क्या ये उस पैटर्न को फॉलो करेगा? 2 टाइम्स पहला टर्म का स्क्वायर, 2 टाइम्स 5x स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे, टाइम्स 3 हम यहाँ पे लिख देंगे. देखते हैं कि क्या हमें सेम चीज़ मिलेगा. तो 2 टाइम्स 5 होता है 10, 10 टाइम्स 3 होता है 30, 30x स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव. और मुझे पता है कि a माइनस बी का जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर. तो अब अगर मैं दोनों के पैटर्न को रिलेट करूँ तो यहाँ पे सब कुछ कंडीशन सब कुछ वही है, बस यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया है. यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये होगा 5x स्क्वायर ये वाला टर्म माइनस ये 3 यहाँ पे 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन होगा. और आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलता है क्या.